ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। वी हैव टू गेट दिस स्टॉप। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन। टाइगर ने कैसे किया ये सॉल्व? ट्रांसपोर्ट ने कैसे की मदद? टनल में घुसकर प्लेन में कॉकपिट में बैठे ऑफिसर्स अब सक्सेसफुली पहुंच गए हैं। नर्स इस मिशन में टाइगर के साथ शामिल हो गई है। टाइगर ने एक टेररिस्ट को जेल से रिहा कर दिया है क्योंकि उसके हिसाब से इस बार कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। आपको बता दें, जोया ने टाइगर की बात मानते हुए प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं प्लेन में टेररिस्ट ने भी अपने भाई को रिहा होते हुए काउंटडाउन रोक दिया है, इसलिए अब सारी नर्सेस भी खतरे से बाहर है। एम्बेसी के सपोर्ट से हाईजैक्ड प्लेन को उड़ाने की परमिशन भी ले ली गई है। आगे जब कैदी प्लेन तक पहुंच जाता था तब अचानक टेररिस्ट अपनी दूसरी मांग रखते हैं और ये रहती है कि उन्हें एक अलग जेट चाहिए जिससे वो यहाँ से जा सके। जी हाँ, अपने साथ लेकर। लेकिन टाइगर ने यहाँ पर ऑफिसर्स के साथ हाथ मिलाकर ये फैसला लिया है कि जैसे ही सारी नर्सेस को नीचे उतार दिया जाएगा वैसे ही हम उन पर अटैक कर देना चाहेंगे। टाइगर ने टास्क फोर्स के साथ हमला कर दिया, बहुत लड़ाई हुई और उसके बाद आतंकी को अरेस्ट भी कर लिया। टाइगर और जोया ने हमेशा ही मिलकर सब कुछ ठीक किया और सबका भरोसा है कि वो दोनों इस बार भी ये सब कर लेंगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए यहाँ से बहुत दूर कहीं सबसे छिपकर रहने लगे थे, लेकिन उन्हें आखिर उनकी जिम्मेदारियों ने खींच लिया था और उन्हें सबको बचाने के लिए आगे आना पड़ा। रॉ एजेंट टाइगर ने पाकिस्तान एजेंट जोया को उनके एम्बेसी से बात करने को कहा कि प्लेन की एंट्री में किसी भी देश में कोई दिक्कत ना हो। जब वो दोनों अपने अपने देश की बेटियों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि कैसे टेररिस्ट्स ने सबको बंधक बनाकर सबको बहुत ही ज़्यादा जुल्म भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बात करें ये समस्या वो सॉल्व नहीं कर सकते। इस बार खतरा बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि दोनों देशों की बेटियां शामिल है और टाइगर और जोया को मिलकर ना सिर्फ उन्हें बचाना है बल्कि इनको उनके घर भी पहुंचाना है। जोया का साथ देने के लिए एक नए ऑफिसर को भी टीम में लिया गया है और उस ऑफिसर को भेस बदल कर प्लेन में सबसे बात करने के लिए भेजा गया है और ये कहा गया है कि वो जब तक प्लेन में रहेगा तब तक सबका ध्यान उसी पर रहेगा। और इस बीच टाइगर और टीम के बाकी मेंबर्स जाकर प्लेन में टनल के थ्रू सब कुछ वो कर डालेंगे। अब देखना ये है कि प्लेन किस हद तक काम करता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।